हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कुमार अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो आज देख ही रहे हैं, तो ये जो डिज़ाइन स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं, तो इस डिज़ाइन को आज आप लोगों को सिखाऊंगा। और इस डिज़ाइन को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, साड़ी से लेकर आप कुर्ती से ब्लाउज, वेस्टर्न ड्रेस, कुछ भी हो, मॉडर्न कोई ड्रेस, कई जगह में आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। और इसे करने के लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा एक कपड़ा लेना है और ये लेना है, बीट वगैरह लेना है। पाइपिंग मैंने अलग सा इसी तरह यूज़ किया है इस जगह में, वो दिखाऊंगा आप लोगों को। और एक मोती यूज़ किया है और अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं यूज़ किया है इसमें। और चलिए और ज़्यादा बातचीत ना करके पूरा दिखा दो किस तरीके से तैयार करना है। तो फ्रेंड ये देखिए, जो डिज़ाइन आपने देखा है तो वो तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसी तरह एक पैटर्न लेना है छोटा सा। और उसके बाद इसी तरह जो पट्टी है, तो ये जो पट्टी है इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद इसी तरह ये सिंपल से ड्रॉ करना है। और उसके अंदर और एक कपड़ा लेना है, ये जो पैटर्न है इसे थोड़ा सा बाहर करके एक पैटर्न लेना है। और हमारा जो पैटर्न है वो थोड़ा सा इसी तरह राउंड शेप में होगा। देखिए किस तरीके से राउंड शेप होता है, थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ। और ये टेक्निक बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा मैंने घुमा रहा हूँ इसे ऐसे और ऐसे। और आपको चाहिए फ्रेंड इसी तरह डोरी चाहिए जो मैंने बनाया है, और इसी तरह जो लपेटे सिल्क होता है उसी से मैंने बनाया है इसे। और ये बहुत नैरो करके बनाया हुआ है, अगर किसी को ना पता है मैंने आप लोगों को एक छोटा सा कट करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ये डोरी बनाने के लिए मैंने हमारे चैनल में दिखा है आप लोगों को, और फिर भी मैं बता दूँ आप लोगों को, तो इसी तरह नैरो कट करना है। और उसके बाद इसी तरह कट करना है, और उसके बाद आगे जाके देखिए किस तरीके से मैंने छोटा सा एक पीस आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि पता चले। और ये बहुत ही नैरो है, ये जो डोरी मैंने बना है ये लगेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ डोरी किस तरीके से बनता है, अगर किसी को ना पता हो तो हमारा चैनल में जाइए, कॉट पाइपिंग डोरी वगैरह, और साइड में प्रशांत का लिखिए, वो वीडियो आ जाएगा। तो फिर भी जो लोग नहीं देखा है तो आप लोगों के लिए छोटा सा एक नमूना मैं दिखाने जा रहा हूँ, इसी तरह नैरो डोरी बनेगा। उसके बाद ये डोरी से बाकी जो काम है मशीन में डायरेक्टली मैं दिखा रहा हूँ। इसी तरह सीना है, और इसका जो खास जगह है फ्रेंड ये देखिए, जिस जगह में हम लोग क्या करेंगे, जो उल्टाएंगे वो जगह देखिए बहुत ही नैरो है। और उसके बाद इसी तरह शीक लीजिए, जो छत्ती का जो शीक होता है वो हमने यूज़ कर रहा हो, और उसी से लेकर इसी से ये बना रहा हो, ये बहुत ही नैरो होता है। ये देखिए किस तरीके से करना है, और एक चीज़ से आप लोग कर सकते हो, जो सुई से हम लोग करते हैं, जो डोरी लगा के नीचे से डोरी देकर जो करते हैं वो एक तरीका होता है, उसी से आप लोग कर सकते हो। ये देखिए ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह करना है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ आप, और ये देखिए कितना नैरो हो गया है ये, ठीक है। ये देखिए ये मैंने अपने हिसाब से मेज़रमेंट से बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो ज़मीन है और इसके अंदर जो जाएगा उसी के हिसाब से मेज़रमेंट करके एक इसी तरह मैं लूपिंग की तरह एक ले रहा हूँ, जो ये डोरी इसे मैं कट करूँगी, इसे इतना बड़ा रखेंगे हम, और इसी हिसाब से हम सभी पीसेस कर लेंगे इसी तरह। और फ्रेंड उसके बाद देखिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा इसी तरह जैसे मैंने ड्रॉ कर लिया है और उसी तरह हमें करना है ऐसे। फर्स्ट हम करेंगे बाहर वाला हिस्सा, हम इसमें दे देंगे ऐसे करके, और ऐसे ठीक है। देखिए किस तरीके से कर रहा हूँ, राइट साइड में जो हम टाक देते हैं जो पार्ट से,
तो उसे थोड़ा सा प्रेशर दे रहा हूँ और अपना जो फुटर है थोड़ा सा ऊंचा कर रहा हूँ, नहीं तो क्या होगा फ्रेंड, स्लिप हो जाएगा। और जैसे ही स्लिप हो जाएगा तो हमारा जिस जगह में मेज़रमेंट हम लोग रखना चाहते हैं वो जगह में मेज़रमेंट नहीं लगे, तो वो इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि हमारा चैनल से सीखा आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े। तो इसलिए मैंने बहुत आसान करके सभी टेक्निक को मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, उसके बाद सीधा करिए और उसके बाद इसी तरह करिए ऐसे, फिर से ठीक है, फिर इस तरह करिए। और एक चीज़ ध्यान में रहे, जो हम दे रहे हैं तो अब इतना सा पट्टी बाहर में, यानी कि जो डोरी बाहर में रहे ताकि यह इसी तरह पकड़ सके, और ये लेप वाला जो फुटर है इसका वो आपका उंगली में ना टच करे, तो उसी तरह आप करिए। तो इसी तरह हमें चारों तरफ करना है, तो वो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा करके उसके बाद में दिखा रहा हूँ फ्रेंड। सभी एक ही टेक्निक है, और जिस तरीके से देखिए इस जगह से ये मेज़रमेंट छोड़ा है उस जगह में मैंने इसी तरह इसे मेज़रमेंट छोड़ रहा हूँ। और आप चाहे तो इसे पहले एक को करी भी ले सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें, ऐसे सिंपल सा ये देखिए, और एक जो होता है ऐसे, यानी कि यहाँ से जितना गैपिंग यहाँ से भी उतना गैपिंग ही छोड़ना है। और जैसे मैंने अभी बोला हो, हम ये जो फूटर हम लेके जाएंगे इसमें टच नहीं करेगा क्योंकि इसका लाइन क्लियर है। तो चलिए थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँ, और ये देखिए ऐसे, तो मैं पूरा करके उसके बाद में दिखा रहा हूँ, इसी तरह करना है फ्रेंड। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इसी तरह पकड़ के रखिए, और इसके अंदर की तरफ और एक चीज़ हमें देना है, इसी तरह हमें और एक आइटम इसके नीचे देना है ऐसे। उसके बाद हमें इस जगह में बीड लगाना है, जो पाइपिंग है वो हम लगाएंगे। और ये देखिए रेडीमेड एक पाइपिंग मिलता है हमारा कलकत्ता में, तो वो हम इस जगह में यूज़ करने जा रहे हैं। और इसके साथ में इसमें जो सिंगल वाला जो फुटर है वो मैंने इस जगह में लगा रहा हूँ, नहीं तो नहीं होगा। और इस टाइप का जो पाइपिंग है बहुत बढ़िया है ये, अब लोग अपना लोकल दुकान में आप सर्च करेंगे ये मिल जाएगा, ये बहुत बढ़िया है ये। और इसके बाद ये देखिए इसी तरह इसे आप घुमा दीजिए ऐसे करके, ऐसे ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं ये इस जगह में कैसे मैच कर रहा हूँ वो जगह को दिखा रहा हूँ। और फ्रेंड ये देखिए इस जगह को मैं किस तरीके से मैं मिला रहा हूँ, मैं इस तरह का छोड़ू तो ये आप लोग कर सकते हो इसी तरह सीधा करके, मगर मैं चाहता हूँ ये ओवरलैप करके इससे बाहर निकाल दूँ इसे ऐसे करके ऐसे, तो ज़्यादा टेक्सचर होगा ये ऐसे करके। ठीक है फिर ये इस तरह थोड़ा सा देखिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, अगर इस तरीके से ना करके आप दोनों सीधा करें तो दिखने में अच्छा लगेगा मगर लॉन्गजेविटी ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद हमें देखिए क्या करना है। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने ये पूरा तैयार कर लिया है, और उसके बाद हमारा जो काम है ये देखिए इस तरीके से हम इसे इसके ऊपर बिठा देंगे। तो फ्रेंड ये देखिए उसके बाद हमें इसी तरह इसे लॉक देंगे ऐसे करके, बहुत ही सिंपल काम है। और जो मैं पाइपिंग लगा रहा हूँ इस जगह में, आप लोग चाहे तो आप एम्ब्रॉयडरी वर्क भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, उसमें भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसे। ये अंदर की तरफ चले जाएगा, और उसके बाद जो नीचे वाला जो हिस्सा है इसी तरह नीचे इसे दे देंगे, और नहीं तो अब इसी तरह स्क्रू ड्राइवर कर देकर अंदर दे देंगे
ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसी तरह हम लगा देंगे। और ये जो पैचवर्क है फ्रेंड, आप कहीं भी से यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद और एक टेक्निक है इसके अंदर, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड ये देखिए, उसके बाद इसी तरह एक मोती लेना है। और देखिए किस तरीके से कर रहा हो, अपना हैंड स्विच से बहुत ही इजी तरीके से कर रहा हो, क्योंकि हमें ये जो डिज़ाइन हमने किया है इस जगह को, इसे जैसे कि आप देख रहे हैं इधर कम इधर बड़ा इस तरह हो गया है, तो इसी तरह हम मोती तो लगाएंगे मगर साथ ही साथ इसका फिनिशिंग भी डाल देंगे। देखिए किस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए किस तरीके से कर रहा है। उसके बाद हम इसे नीचे लॉक दे देंगे ऐसा ऐसे। ठीक है, ये देखिए इसी तरह हम बिठा देंगे। तो ये पूरा बिठा कर उसके बाद में दिखा रहा हूँ, और भी बहुत कुछ दिखाना है आप लोगों को। तो इस तरह का जो आइटम है मैं पूरा करके उसके बाद में दिखा रहा हूँ। और फ्रेंड ये देखिए फ्रेंड, उसके बाद हमने मोती तो लगा दिया है और ये देखिए फिनिशिंग भी कर दिया है। और उसी के साथ साथ हम इस डिज़ाइन को देखिए, मैं जो डिज़ाइन दिखा था, आप एक ही डिज़ाइन को लेकर बहुत कुछ कर सकते हो और बहुत ही सिंपल से तरीके से मैं बताता हूँ, मगर इससे ऊपर आप बहुत कुछ कर सकते हो। मगर मैं ये देना चाहता हूँ, ठीक है, ये देखिए इसी तरह मैंने इसलिए इसे ड्राइंग कर रहा हूँ। ये ड्राइंग ना करेंगे तो नहीं होगा। ये देखिए इस तरह, तो चलिए इसके बाद देखिए इस जगह में क्या करता हूँ। देखिए तो ये देखिए, और ये देखिए सबसे पहले मैंने जो डोरी लगाऊंगा उसे इसी तरह कर लेना है इस जगह में। छोटा सा स्टीच देखे मैं इसे पक्का कर रहा हूँ इस जगह को। और देखिए कैमरा को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। और इसी तरह करने के बाद आप देखिए डायरेक्टली मैं उस जगह में लगा रहा हूँ। मैंने ड्रॉ तो पहले से इस जगह में कर चुका हूँ, और उसके बाद देखिए किस तरीके से करने जा रहा हूँ। ये देखिए आप एक ही साथ मोती भी लगा सकते हो, और नहीं तो आप बाद में मोती लगा दीजिए। आप पहले आप इसे तो लगा दीजिए, जो तरीका सही लगा आप लोग उसी तरह करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए किस तरीके से लगा रहा हो, सिंपल सा स्टिच है, नीचे से उठा रहा हो और ऊपर से दे रहा हो, और इसी तरह करना है। ठीक है, तो चलिए आप और कुछ देर आप देखिए, उसके बाद मैं पूरा कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसी तरह देखिए, और कैमरा को मैं बहुत पास से दिखा रहा हूँ, एक नीचे से स्टिच दिखा रहा हूँ ये देखिए, और ऊपर से इसी तरह जब उठेगा मैंने घुमा के लेफ्ट की तरफ फिर से दे रहा हूँ। ये देखिए सिंपल सा ऐसे करके इसे कर रहा हूँ। और कलर आप लोगों को सेम लेनी है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ड्रॉ मैंने पहले से कर रखा हूँ तो इसलिए आसान हो रहा है। तो चलिए अब मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड, फिर से इस जगह में इसी तरह कच्चा आ गया है। और उसके बाद देखिए हम किस तरीके से इसे भी उसी तरह, जो इसका जो कच्चा वाला जो हिस्सा है वो हम पक्का कर रहे हैं इसी तरह धागे से। बहुत ही इजी टेक्निक, बहुत ही आसान है, और इस टेक्निक को कहीं भी यूज़ कर सकते हो। कहाँ पर यूज़ करना है वो तरीका मैं अब नहीं बता रहूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारा टेक्निक बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, नेट में भी यूज़ हो रहा है। तो चलिए इसलिए मैंने सोचा चलो कहाँ पर यूज़ करना है वो मैं नहीं बताऊँगा, आप खुद ही कर पाएंगे ये मैं जानता हूँ। और आगे इससे भी बढ़िया मैं टेक्निक लेकर आप लोगों को और भी दिखा दूंगा, अगर हो सके कुछ नया हो तो हम दिखा देंगे कहाँ पर इसे यूज़ करना है। और ये देखिए ये हो गया है, और इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा जो मोती मैंने लगाया तो मैंने सिंपल सा मोती लगाऊंगा इसके बाद।
ये देखिए किस तरीके से लगा रहा हूँ। और फ्रेंड ये देखिए हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है। और इस जगह में आप लोग क्या कर सकते हो, मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे दूँ। और ये देखिए इस जगह में आप लोग इसी तरह आप लोग पाइपिंग भी लगा सकते हैं। इस जगह में ऐसे करके इधर इधर मैंने जिस जगह में आप लोग लगाना चाहते हैं तो इस जगह में इसी तरह लगाना चाहते हो आप कर सकते हो। और नहीं तो ये वाला जो डिज़ाइन का हिस्सा है आप किसी भी बॉडी में लगा सकते हो। आप मानिए आप ब्लाउज वगैरह कुर्ती वगैरह कुछ भी हो तो इस जगह में बेसिक का हो वो तो बॉडी का पार्ट रहेगा और ऊपर में जो डिज़ाइन आपके हिसाब से कॉम्बिनेशन आप लोग कर लेंगे। मैं सिंपल से ऐसा दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और तो चलिए इस वीडियो में कुछ भी नहीं बोलूँगा और इस वीडियो में जो कुछ बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। और इस वीडियो को जितना हो सके फ्रेंड शेयर करिए और आप लोगों को शेयर और लाइक के बिना मैं नया वीडियो नहीं बना पाऊँगा। और इसलिए मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप 2000 लाइक करें, उसके बाद फिर से इसी तरह नया नया टेक्निक लेकर आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हो जाऊँगा। तो आज के लिए इतना सही था। बाय बाय, टेक का शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।